जरीन नाम ही काफी है। वो आप कहते हो बट मुझे पता है इस नाम को बनाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मतलब मैंने हार नहीं मानी है, लाइफ में लगी रही हूँ और मेहनत करते रही हूँ, तब जाके आज लोगों को मेरा नाम पता चला है। तो बहुत खुशी की बात है कि आज मैंने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पे। 3 मेडल इस साल में, ठीक है, और इससे पहले अगर देखें तो वो कोशिश, वो मेहनत, अपने आप को साबित करना पड़ता था। अब सब कुछ बदल गया? जी हाँ, क्योंकि अभी जनवरी से स्टैंजा खेला है, वहाँ पे गोल्ड जीता मैंने, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है और अभी कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीत लिया मैंने। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं बैक टू बैक अपने देश के लिए मेडल जीत रही हूँ। तो यही उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी ऐसी मेहनत करती रहूँ और आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस देते रहूँ मैं। लेकिन निखत, ये भी रहता है ना कि आपको जो चुनौतियाँ होती हैं या फिर जो चांसेस होते हैं उसमें अपने आप को पहले आपको साबित करना पड़े कि यार मैं कर सकती हूँ, गिव मी अ चांस। वो चीज़ भी आपने की है और तब जाकर आपने आज ये गोल्ड मेडल हासिल किया है या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो गोल्ड मेडल था वो हासिल किया था। ये एक एथलीट के तौर पर आप कैसे देखते हैं? जी, एथलीट बीइंग एन एथलीट बॉक्स मतलब बीइंग एन एथलीट एक एथलीट की लाइफ में हार जीत तो चलते रहती है, बट मतलब मैंने कभी हार नहीं मानी है और उस चीज़ के लिए मैं मतलब अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने हार नहीं माना है और लगी रही हूँ, मेहनत करते रहूँ। मुझे पता था कि आई ऑलवेज बिलीव दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए गुड रीज़न। मेरे जो भी मेरे साथ हो रहा था उस टाइम, मैंने बस एक ही मतलब सोच रखा था कि जो भी हो रहा अच्छे के लिए ही होगा, निखत तू बस मेहनत करते रहे, और मैंने वही किया। तो आज इतनी मेहनत के बाद आज जाके मैं परफॉर्मेंस दे पा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है।